कांग्रेस ने इल्जाम लगाया, कमलनाथ ने आरोप दोहराया, कार्यकर्ता ने दे दी सफाई, कांग्रेस कैसे बैकफुट पर आई। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए मतदान तो हो चुका है, मगर मतगणना के एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर धांधली का ऐसा आरोप लगाया कि न सिर्फ एमपी बल्कि पूरे देश के सियासी हलकों में सनसनी फैल गई। पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर सूबे के बालाघाट जिले में डाक मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। शुरुआत पार्टी के एक ट्वीट से हुई जिसमें स्ट्रांग रूम खोलने का एक वीडियो था। वीडियो ट्वीट करने के बाद कांग्रेस ने लिखा कि निर्वाचन को कलंकित करते बालाघाट कलेक्टर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने आज 27 नवंबर को ही स्ट्रांग रूम खुलवाकर बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी। अंतिम सांसें गिनती शिवराज सरकार और सरकार की अंधभक्ति में लीन कलेक्टर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सतर्क और चौकन्ना रहे। बीजेपी की करारी हार से बौखलाई चोरी की है सरकार और कुछ सरकारी दलाल वोट चुराने के फिराक में हैं। विवाद में कूदे कमलनाथ। कांग्रेस ने जैसे ही आरोपों का तीर छोड़ा, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ भी उसमें कूद पड़े। आनन फानन कमलनाथ ने कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्टी ने की है। ये अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन की सफाई। मामला बढ़ता देख बालाघाट जिला प्रशासन भी सफाई में सामने आया। जिस गिरीश मिश्रा का नाम लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, वो मीडिया के सामने आए और कहा कि बालाघाट से संबंधित डाक मतपत्र के वायरल वीडियो के संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। आज बालाघाट का पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को दूरभाष पर सूचना देने के उपरांत 1/29 पर सहायक रिटर्निंग अफसर द्वारा खोला गया था। आज जो है स्ट्रांग रूम खोलने का उद्देश्य जो सहायक रिटर्निंग अफसर द्वारा बताया गया वो पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग करना बताया गया है। इसमें किसी प्रकार की पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की गई है। पोस्टल बैलेट से संबंधित सारी जानकारियां पंचनामे में बना करके सभी पार्टीज़ को शेयर की गई है, सभी ने इसकी जानकारी ली है। ये बताना चाहूँगा कि इस पूरी कार्रवाई में स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर के स्ट्रांग रूम सील होने तक निराला सिंह बघेल, कृष्ण गोपाल बिसेन ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपस्थित रहे तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निर्वाचन अभिकर्ता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। इस संबंध में शफकत खान जो शहर अध्यक्ष संगठन मंत्री कांग्रेस है, उनके द्वारा भी वीडियो जारी करके ये बताया गया कि भ्रामक जानकारी होने के कारण उनको बाद में वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई और उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके ये बताया है कि नहीं, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट है। जब जिला प्रशासन ने कांग्रेस का सच से सामना करवा दिया तो सफाई देने के लिए एक आला कांग्रेसी नेता सामने नहीं आए, बल्कि बालाघाट के एक स्थानीय नेता से ट्वीट करवाकर कहलवा दिया गया कि थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, अब सब ठीक है। बालाघाट के कांग्रेस नेता शफकत खान ने इस ट्वीट में कहा है कि हम जब निर्वाचन कार्यालय गए तो पोस्टल वोट के बंडल बनाए जा रहे थे। नियम ये है कि 50-50 के बंडल बनाकर उनको विधानसभा वार छाटा जाए, जिसके बाद 2 तारीख को गिना जाएगा, लेकिन यहाँ मौजूद मतदान कर्मी ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे थे। इसको लेकर हमें कलेक्टर साहब और SDM साहब से बात की, जिसके बाद हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। 3 दिसंबर को मतगणना। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था। मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।